गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली में सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित हों। आज क्या क्या करने वाले हम लोग? आज का सारा दिन पूरी फैमिली जब एक साथ होती है तो सुबह के समय में सबका साथ में नाश्ता खाना सारा दिन यही होता है। ये मोठ की दाल है, मटकी कहते हैं इसको, मठ भी कहते हैं। इसका स्प्राउट्स बहुत हेल्दी होता है। इसे मैंने कल सुबह पानी में डाला था, उसके बाद रात में पानी निकाल दिया था। ओवरनाइट बिना पानी के इसी तरीके से डोंगे में ही मैंने ढक के रखा था और ये स्प्राउट्स तैयार हो जाते हैं। पानी नहीं रहना चाहिए। और प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा सूखा नारियल, टमाटर, ये सारी चीज़ें मैंने काट करके पास में रखी हैं, तैयारी करी है। हरा धनिया भी थोड़ा सा काट लिया है। और मैं इसका बनाऊंगी मिसल, मिसल पाव। आज नाश्ते में यही बनेगा, हैवी नाश्ता है। कढ़ाई पे मैंने एक चम्मच करीब तेल डाला है, सिर्फ एक चम्मच ही डालना है। और इस तेल को गर्म होते ही ये जो मैंने लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और प्याज काट के रखी हैं, इन्हें डाल करके तेल में हमें फ्राई करना है। इस तरीके से फ्राई करने से जो प्याज लहसुन का कच्चापन है वो खत्म हो जाता है। साथ में ये कटे हुए नारियल है, सूखा नारियल, इसे भी भून ले रहे हैं। सभी चीजों को हिलाते हुए आंच को मीडियम रखा था और भूने। आप कोशिश करें कोई भी जैसे तावा है या ऐसे लोहे की कढ़ाई है उस पे आप ये प्रोसेस करें, क्योंकि ना जब इसे भूनते हैं तो कढ़ाई में बहुत चिपकता है, ये सूखा रहता है, तेल बेल कम रहता है तो काफी ऐसे निशान सा बन जाता है, तो आपको बर्तन साफ करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। और ये मैंने डाला है जब सारी चीजें भुन गई हैं, तब टमाटर डाले हैं ताकि साथ में टमाटर पक जाएगा। और अब टमाटर भी भुन चुका है तो यहाँ पर मैंने इंडक्शन ऑफ कर दिया है। ये मेरा इंडक्शन बजाज कंपनी का है, मुझे बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं अक्सर, इसलिए मुझे आज याद आया, बताया मैंने। और ये सारी चीजें जब ठंडी हो गई हैं तब इसे ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है। अब इस कढ़ाई पर मैंने डाला है वापस से तेल, थोड़ा ताजा तेल डाला है इस टाइम, जिससे कि हम मसाले को भून सकें। और हमें ग्रेवी वाली सब्जी तैयार करनी थी। तेल गर्म होते ही एक चम्मच मैंने जीरा डाला है, और जीरा डालने के बाद इंडक्शन ऑफ किया। अब गरम तेल में मैंने सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, और साथ में डाला है गरम मसाला। आप चाहें तो मिसल मसाले का भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे जो मार्केट में आते हैं ना, मिक्स मसाले, स्पाइसी फ्लेवर, वैसा भी यूज कर सकते हैं। तो इन सूखे मसालों को मैंने डाला है तेल में, और इसके बाद डाल दिया है ये जो मैंने मसाला पीसा है। और अब सभी मसालों को भूनना है, लगातार हिलाते जाएंगे मसाले को, तो ये चिपकता भी नहीं है और अच्छे से भून जाएगा। इतना भूनना है हमें कि तेल थोड़ा सा ऊपर आने लगे और मसाला हमारा थिक हो जाए, जैसा हमेशा हम लोग मसाला भूनते हैं। अब मसाला भूनने के बाद मैंने यहाँ पर स्प्राउट्स डाले हैं। ये मटकी है, मठ, मूंग नहीं है, मूंग हरी मूंग होती है, इसका कलर ब्राउन होता है, और ये इसको मठ कहते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं जैसे मूंग होती है, खड़ी मूंग। और इसका स्प्राउट काफी हेल्दी होता है, इसे सूखा उसल भी बनाते हैं। और ये बन रहा है मिसल पाव। अब अच्छे से मसाले में उसे डाल करके भूनने के बाद जितना पानी चाहिए डाला है। आज मैंने पानी थोड़ा ज्यादा रखा है, लास्ट टाइम मेरे से काफी गाढ़ी बन गई थी, तो थोड़ा सा पानी, इसका रस्सा अच्छा लगता है। नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और अब इन सभी चीजों को डाल करके मिक्स करके अब इसे बॉईल होने देंगे, मतलब अच्छे से खौल जाए। तब तक यहाँ आज हमने हॉल में चेंजेस किए हैं, मतलब दीवान का कवर निकाला है धुलने के लिए, इससे पहले जो था ब्लू वाला वो निकाला है। और क्या क्या किया है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे वो कर्टन निकाला है, दीवान का सेट पूरा चेंज किया है, सोफे पे जो व्हाइट कलर के कलर कवर लगे हैं वो निकाल करके, जो हमने टिश्यू वाला खरीदा था कुछ दिनों पहले वो लगाना है। यही सब काम बीच बीच में, क्योंकि सब्जी जैसे पक रही है ना, मिसल नाश्ते की तैयारी हो रही है, आज नाश्ते में बन रहा है वो मिसल पाव। पाव रेडीमेड मंगवाए हैं मैंने,
और ये सब कर्टेन वाइट कलर के लगाने हैं। जैसे मैं हॉल में ब्लू कलर का कर्टेन, फिर ब्लू कलर की ये लगता है ना सोफा का, तो वो सब पूरा निकाल दिया है। टेबल का भी निकालूंगी मैं। और सुबह बच्चे इसलिए बैठे हैं, शुभ की क्लास चल रही है तो इसलिए शुभ यहाँ बैठे हैं कोने में, उसका यही कोना रहता है, या तो यहाँ या तो फिर कमरे में बैठती है। और आज गुप्ता जी हेल्प कर रहे हैं मेरी, ये देखो कर्टन लगाने में। वैसे सच पूछो तो कर्टन लगाने के टाइम पे मैं हमेशा उनको ही बोलती हूँ, वरना मुझे फिर चेयर ले जा करके खड़ी करनी पड़ती है वहां पर, उसके ऊपर मैं खड़ी हो पाती हूँ, इतनी तो मेरी हाइट ही नहीं है। तो कर्टन में हमेशा गुप्ता जी को ही आवाज देती हूँ मैं, अगर वो घर पे रहते हैं तो। लेकिन आज कैमरे के सामने नजर आए हैं गुप्ता जी, और ये कर्टन लग गए हैं और दीवार में इसका चेंज हो गया है। ये सारे कपड़े जो धुलने के हैं वो मैंने हटा दिए हैं, अभी धुलूंगी नहीं, तय करके रख दूंगी उन्हें चुपचाप, बाद में धुलूंगी फुर्सत से। मशीन में डालती नहीं कोई कवर अवर जैसे कुशन के ना, फिर वो खराब हो जाते हैं। और अब सब्जी हमारी इतनी देर में पक चुकी थी, जितनी देर में ये सब चेंजेस हुए हैं, खोल गई है और ये पाव पैकेट मार्केट से आए हैं। थोड़ा सा इसको ढक भी दिया है मैंने और आँच को धीमी कर दी है, जिससे कि जो उसल है वो, जो स्प्राउट है वो पक जाए। अब लास्ट टाइम पे ये होता है कि पाव सेकने हैं, तो इस टाइम पे मैंने बस पाव में वही हल्का हल्का सा घी लगा करके ऊपर नीचे करके सेक दिया है। वैसे मुझे पता है पिछली बार भी मुझे कमेंट था कि इसके साथ मिसल पाव के साथ पाव कच्ची ही खाई जाती है। सच में खाई जाती है, बाहर में मिलती है स्ट्रीट फूड में, लेकिन घर में बड़े नखरे रहते हैं ना लोगों के, उनको उम्मीद हो जाती है कि जरा हल्का सा सेक दो, मीनू हल्का सा गर्म हो जाएगा सेकने से, थोड़ा सा सेकने के बाद सोंधे लगने लगते हैं पाव, ये बात है। और ये मैंने बारीक करी है प्याज चॉपर में, क्योंकि ऊपर से खाने के लिए चाहिए एकदम बारीक वाली। अब ये सब्जी हमारी पक चुकी है, मैंने डाला है हरा धनिया। आप मिसल मसाले डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जैसे यहाँ पर भी आता है मिक्स मसाले बसौल में, वो जो शेव भाजी वगैरह में डाली जाती है, उनसे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलर भी सुंदर लाल वाला आता है। अब बस प्लेटिंग कर दी मैंने नींबू प्याज साथ में, और इसके साथ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज चाहिए होती है फरसान, जो मिक्सचर नमकीन होता है जिसमें पापड़ी सेव वगैरह होता है। जैसे मैंने अलमारी खोली वो खाली है पैकेट, मतलब पैकेट खाली हो गया। अभी कुछ दिनों पहले शायद भेल बनाई थी तो वो यूज हो गया, और फिर मुझे याद ही नहीं रहा, मार्केट से लाए नहीं लास्ट टाइम पे। ऐसा होता है ना कि अब खाने बैठे, अरे वो तो है नहीं, वो चीज़ आज हमारे घर हुई। फिर कोई बात नहीं, मैंने मोटे वाले सेव डाले और पूछा कि अगर पसंद हो तो डालना, अभी मैंने सबको नहीं डाला है, रख दिया है भाई जिसको खाना हो। और मिसल पाव का नाश्ता हैवी टेस्टी, और मज़ा आ गया सबको, थोड़ा सा चेंज हुआ, काफ़ी दिनों बाद, महीने भर तो हो गया करीब बनी हुई थी मिसल। और अब मैंने डाली है अदरक और काली मिर्च, दालचीनी डाल करके मसाला चाय बनाई है। आज मुझे चाय नहाने के बाद से चाहिए थी, यहाँ तक कि सर भी दुखने लग गया था मेरा, क्योंकि मैंने सोचा बड़ी होशियारी दिखाई कि चलो पहले नाश्ता बना लेते हैं फटाफट, और जैसे ही जब मैं बना ही रही थी ना मिसल, उसी वक्त मैंने मुंह से निकल ही गया कि मेरा सर दुखने लगा, चाय मुझे लेट हो गई, तो फिर घर में मुझे डांट लगने लगी, बच्चे भी, शुभी, शुभम, शुभम, अरे आप मुझसे बोलती हैं तो मैं बना देता चाय, आपने क्यों नहीं चाय पहले पिया। बच्चे भी जान गए हैं कि मम्मी की कमजोरी है चाय, तो वो भी शुरू हो जाते हैं। गुप्ता जी भी कह रहे थे तुम अगर चाय पी लेती तो क्या हो जाता, 10 मिनट बाद बन जाता नाश्ता। लेकिन अब मैंने क्या सोचा कि पहले नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, फिर सब इकट्ठे नाश्ता कर लेंगे, फिर साथ में मैं चाय बना लूंगी, और करते करते देर हो जाती है। यहाँ कपड़े भी धुल गए, आज सुबह ही धुले गए कपड़े, रात में नहीं धुले थे कपड़े, तो सुबह मशीन लगा दी थी, वो भी काम बड़े लगता है ना, एक एक इकट्ठा यहाँ भी हाथ मारो वहां भी हाथ मारो। लेकिन अभी घर की दीवान वीवान के कवर नहीं धुले गए, ये सिर्फ पहनने वाले कपड़े धुले गए हैं, क्योंकि ये मशीन में डाले थे मैंने, और वो कपड़े बाद में धुलूंगी मैं, सिर्फ मैंने तह बना के रख दिए संभाल के कि बिल्कुल नजर ना आए कि हाँ ये कपड़े इधर उधर फैले भी हैं। तो फिर इसलिए बाद में चाय बनाई और गुप्ता जी ने भी चाय लिया। अब चाय वाय पी लिया गया है, नाश्ता हो गया है, इसके बाद और बाकी के काम। ये मैं डाइनिंग टेबल का कवर भी चेंज करने वाली हूँ, रनर हटा दूंगी, ये ब्लू रनर काफी दिनों से डला हुआ है, इसे वॉश करूंगी मैं, तो ये सब फुर्सत से धुलूंगी, आज नहीं धुलूंगी मैं, इसको भी फोल्ड करके तार के रख दूंगी। जो इसकी मैट है वो भी चेंज कर लूंगी, दो मैट है हमारे पास, एक लाइट शेड में है, एक डार्क शेड में है, तो जब मैं व्हाइट नेट वाले पर्दे लगाती हूँ या व्हाइट दीवान में सेट डालती हूँ, तो फिर यहाँ पर भी टेबल पे व्हाइट कर लेते हैं, तो देखने में एक जैसा अच्छा लगता है हॉल में। यही तो दो कमरों का घर है, एक हॉल दो कमरे,
तो सामने ये टेबल देखो ना, अभी मैं कपड़े से पोंछ रही हूँ, आपने अगर नोटिस किया हो कितनी धूल रहती है, इसीलिए मुझे रोज पोंछना पड़ता है। अगर शुरुआत से आपने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो मैं काफी सालों तक टेबल पर कुछ नहीं बिछाती थी। क्यों? क्योंकि 2-3 बार आराम से कपड़ा मार दिया, साफ हो के टेबल चमकने लगती है, और ये सब बिछा रहता है ना, तामझाम रखा रहता है, तो बड़ा फुकनस टाइम टाइप लगता है। मतलब इनको फिर उठाओ हटाओ रखो, फिर उसके बाद पोछो पाछी करो, तो वो फिर टाल जाते हैं कई बार हम लोग, इसीलिए नहीं डालती थी मैं। फिर बहुत से लोगों ने बीच में बोला कि डाला करें कपड़ा नेट या कुछ भी, तो फिर मैं अब डालने लगी हूँ। पर यही है कि बीच बीच में हटा के झटक पटक करना पड़ता है। आज मैंने ये व्हाइट वाला कवर लगाया है इसमें, और इसके साथ में फिर ये, और हाँ ये जो फ्लावर जैसे रखे हैं ना, ये हॉट मैट्स हैं, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। तो ये बहुत बार व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं मुझसे कि वो आपने कहाँ से लिया, ये ऑनलाइन लिया है, हॉट मैट है। और ये रख दिया, एक स्पून स्टैंड रहता है टेबल पर, ग्लास स्टैंड परमानेंट रहता है पानी के लिए, और ये डार्क कलर की जो मैंने काफी पहले ली थी ये मैट, ये लगा रही हूँ मैं, ये व्हाइट के ऊपर अच्छे से खुल के दिखती हैं। और गुप्ता जी यहाँ पर भी पर्दा लगा रहे हैं, देखो पीछे ये जो पार्टीशन कर्टन लगाते हैं हम किचन से बेडरूम के लिए, तो ये जब मैं व्हाइट वाला लगाती हूँ तब ये ब्राउन वाला यहाँ लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लू है, पिंक है, स्काई ब्लू पिंक और ये ब्राउन, तो ये ब्राउन व्हाइट के साथ चलता है। तो अब ये पूरे हॉल का लुक चेंज हो गया है ऑल ओवर। दोपहर का समय बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कर्टन लगा लो, ग्लास बंद कर लो, क्योंकि सारा दिन तो यहाँ धूप का निकास रहता है। ये गुप्ता जी ने हेल्प करी है मेरी, देखो कर्टन लगा के दिया है, तो इस तरीके की हेल्प होती है। बाकी ये वाले जो नेट वाले हैं ना, कर्टन ब्लू और पिंक, और वो एक जैसे हैं, और ये थोड़ा सा अलग है, इसमें मैक्रम की डोरी जैसा है और इसमें बीड्स हैं वाइट कलर की। अब जा करके मैंने यहाँ पर बर्तन धोले नाश्ते के बाद वाले। अब दोपहर में सिर्फ दाल रोटी खाई जाएगी, गरम गरम दाल रोटी और सैलड, खीरा इन दोनों बहुत आ रहा है। आम और खीरा तो मतलब फ्रिज में अब ऐसा हो गया है कि परमानेंट उनका प्लेस बन गया है, तो ठिकाना है। अब ये इतना काम हुआ है कि बस फिर अब थोड़ी देर, और कपड़ों के बाद डोरमैट वगैरह धुली थी, ये बालकनी साफ किया यहाँ जहाँ मशीन रखी हुई है। और कल मैं दोपहर में सुबह का जैसे काम हो गया था ना, मैं मार्केट गई थी, तो आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने क्या शॉपिंग की थी। सुबह में ही भुसावल में मार्केट खुलती है इन दिनों, तो सुबह जैसे हमारे यहाँ जल्दी बन गया खाना पीना, गुप्ता जी का टिफिन रहता है, बच्चों के लिए बना के रख गई थी, और जो मेरी फ्रेंड है भाभी जी उनके साथ में मार्केट गई थी। भुसावल में ही ये कजरी करके साड़ी शोरूम है, और जेंट्स वेयर भी है, लेडीज वेयर भी है यहाँ पर, तो ऊपर साड़ीज हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो दो अब बहुत ये इतना जितना दिख रहा है, आजकल तो वैसे भी भीड़ कम रहती है, वहीं पर जो भैया थे साड़ी दिखा रहे थे उनको ही मैंने बोला कि जरा थोड़ा सा क्लिप कैप्चर करें। तो हम लोगों ने दो फाइनल की थी, ये येलो और ग्रीन और ये पर्पल, तो हमने ये पर्पल वाला लिया है, क्योंकि येलो ग्रीन मेरे पास एक है कॉम्बिनेशन में सारी, और वो कॉमन भी है थोड़ा सा, एक डार्क पर्पल भी था इसमें और एक ये वाला कलर था, और दोनों ही कलर अच्छे लग रहे थे, पर लेना एक ही था। ये खन की साड़ी है, ये देखो इन दिनों कितना कम भीड़ रहती है ना शॉप में, वैसे तो शादी बरातें भी खूब हो रही हैं, सब हो रहा है, और ये इतना बैठक है इनका, सिटिंग यहाँ पे साड़ी दिखाते हैं, और मैं और भाभी जी आए हुए थे, हमने 10 मिनट में ही सिर्फ साड़ी सेलेक्ट की। हम बैठे, भैया खन की साड़ी दिखाइए, उन्होंने दिखाए, बॉक्स में जैसी साड़ी थी बस वैसे ही वैसे कलर पसंद कर लिया, साड़ी खुलवाई भी नहीं पूरी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने कौन सी साड़ी ली है, कजरी शोरूम में हम लोग गए थे, और ये है खन की साड़ी, इसको खन की साड़ी बोलते हैं मराठी में, खन, और महाराष्ट्रीयन पैटर्न है ये, ग्रीन कलर का ब्लाउज है साड़ी में, और कुछ इस तरीके का गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ है, और ये ग्रीन ब्लाउज पीस और साड़ी है। पर्पल कलर है ये,
सारी इस तरीके की, कपड़े में शाइनिंग है, धूप छांव जैसा लग रहा है लेकिन ये पर्पल कलर है और गोल्डन कलर की इसमें बूटियां हैं, शाइनिंग की वजह से इसमें बड़ा अच्छा सा शेड आ रहा है इस तरीके का। और आजकल ना इन दिनों खन की साड़ी का काफी फैशन है, रेट भी ज्यादा नहीं है। ये साड़ी पता है कितने की होगी? मैं बताऊं या आप लोग गैस करना चाहोगे? 900 के अंदर, 900 की साड़ी है ये। और इसका लुक कितना हैवी, मतलब अच्छे फैंसी साड़ी दिखती है। और इसके साथ में ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत सुंदर दिखती है। आजकल बहुत फैशन है कॉम्बो सेट आता है ना ऑक्सीडाइज का, जिसमें मराठी नथ होती है, महाराष्ट्रियन वाली जो ज्वेलरीज होती हैं, जैसे तीन पहनते हैं ना गले में, उस टाइप का छोटा बड़ा बड़ा ऐसे करके सेट होता है और इयर रिंग्स होती हैं, वो मुझे लेना है, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने मतलब बोला है, एक ताई है उनसे लेने के लिए, बहुत सुंदर सुंदर ऑक्सीडाइज में भी कितना मतलब डायमंड वगैरह लग करके भी आने लगे हैं, नग वग वाले भी, तो सुंदर लगता है। एंटीक ज्वेलरी पहनो और ये साड़ी। और साड़ी का कलर कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना। प्राइस 900 की साड़ी है ये, रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जाएगा। इसलिए पहले दिल हो रहा था आपसे पूछूं कि अच्छा गैस करके बताओ, फिर अगले वीडियो में बताऊंगी, तो मैंने सोचा ये ब्लॉग जब भी कोई देखेगा फिर शुरू होंगे कितने की थी, तो ये हमने मार्केट से ली है। और ऑनलाइन भी खूब है खन की साड़ियां, वेराइटी। और मेरी साड़ी के साथ साथ गुप्ता जी के लिए मोबाइल आया है, उनका फोन खराब हो गया था, तो ये राधा स्वामी करके एक शॉप है भुसावल में, वहीं से लिया है। कलर लेकिन मेरे कुर्ते के मैचिंग का है, सैमसंग का है, सैमसंग F41। मेरे कुर्ते की मैचिंग का है ना। सैमसंग F41 कैसा है? अच्छा लग रहा है, पसंद आया गुप्ता जी को। इसकी रियल प्राइस 20,000 समथिंग है, लेकिन डिस्काउंट के बाद मिला है, तो कहीं कुछ कम ज्यादा हो सकता। ऑनलाइन में भी ये मिल रहा था, लेकिन बोले गुप्ता जी की मार्केट से ही लेंगे, तो इसलिए फिर मार्केट से लिया। हम दोनों की शॉपिंग हो गई है, मेरी साड़ी और गुप्ता जी का मोबाइल। और आप शुभी का हो गया है नहाना धोना, वो अपनी क्लास के लिए बैठ गई है, उसके दोपहर में रहता है दूसरा, बीच में ब्रेक रहता है ना क्लास के बाद, सुबह की क्लास के बाद, डेली का वही फिक्स रूटीन है इन लोगों का। फिर दोपहर में गरम गरम दाल रोटी और सैलड खाई गई, एक पैकेट मिसल रखा ही हुआ है वो अभी भी, मतलब पैकेट जो पाव आया था वो रखा है, मिसल भी रखी हुई है, किसी को भी भूख नहीं थी। और जैसे ही अभी वो दोपहर के बाद वाला जब मेरा चाय का चाहसी होती हूँ मैं, मैंने अपनी चाय पी ली है, वो रखा है कप मेरा बॉटल के बगल में, उसके थोड़ी देर बाद फिर गुप्ता जी बोले कि अच्छा ठीक है मीनू मैंगो शेक बना दो, तो फिर बनाया, तो मैंगो शेक बना, सब लोग मैंगो शेक पी रहे हैं। आज चाय नहीं ली थी गुप्ता जी ने, शाम को, सुबह ही ली थी मेरे साथ, बस मैंने पी शाम को 4 बजे चाय। इसके बाद अब ये 5 बजे करीब है, धूप इस कदर तेज है कि ना पूछो, मतलब कर्टन लगा है देखो व्हाइट वाला ना, फिर देखो हॉल में कितनी तेज रोशनी है, मतलब काफी तेज धूप हो रही है, और धूप गर्म भी काफी है, हीट काफी है। मतलब अब ये मैंगो शेक पी ले गए हैं, फिर ये शाम के नाश्ते की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मैंने ये सूजी निकाली है, सूजी में मैंने डाली है दही, तो ये 2 कटोरी यदि सूजी है तो 1 कटोरी दही लेना है, तो ये 2 कटोरी सूजी थी, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दही डाली है, और अभी समझो आधा कटोरी पानी डाला है, लेकिन फिर फेंट लेंगे, फिर जब पानी की जरूरत लगेगी तो पानी डालेंगे। थोड़ा सा गीला सा बैटर रखेंगे, क्योंकि सूजी भीगने के बाद ये अच्छी सॉफ्ट हो जाती है और फूल के थोड़ी सी इसकी ज्यादा हो जाती है, साइज सूख जाएगा इसलिए। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी जितना पानी भी डाला है। और शुभम अब मैंगो शेक पीने के बाद खेलने जा रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्रिकेट खेलने जाता है शुभम शाम को, अभी रोज नहीं जा पाता है, उसकी क्लास रहती है, आज उसकी क्लास नहीं है शाम को, इसीलिए गया है, सामने ही ग्राउंड है। और ये सूजी मैंने भिगो करके ढक करके रख दी है, इसे कम से कम आधा घंटे तो रखना ही है, पर अगर ज्यादा देर भी रखा रह जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और फिर बस ये भी भिगो दिया शुभ, और क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए वो ऐसे ही छत में टहलने चली गई शुभी,
वो तो घर पे ही कितने दिनों से बच्चे हैं, बोर हो जाते हैं, बस थोड़ी देर छत पे ही जा पाते हैं। ये सारे कपड़े इतनी तेज धूप में ऐसे कड़क सूख गए कि ना पूछो। मतलब मैं कब से देख रही हूँ कपड़े सूखे हुए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बालकनी में जाने की। अब जाके मैंने बालकनी का दरवाजा खोला, सारे कपड़े उठा के अंदर रखे, बच्चे तहा लेते हैं। शुभ जब ऊपर से आई छत से तो उसने सारे कपड़ों की तह बना दी। और ये जो बैटर सूजी का मैंने भिगो के रखा था, खूब अच्छे से भीग गई है सूजी। दूध वाले भैया भी आए, दूध भी चढ़ा दिया और मैं बैठी, मतलब बैठी थी, कोई काम नहीं क्योंकि रात में क्या बनाए, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अभी रखा हुआ था वो मिसल ही रखी थी, और क्योंकि दोपहर में दाल रोटी खाई, एक टाइम दाल रोटी वगैरह खा ली ना तो फिर इन लोगों का मन भरता है। अब मैंने यहाँ पर इडली स्टैंड रखा, उसमें पानी डाला, आधा नींबू काट करके डाला, और ये जो बैटर मैंने भिगो के रखा है, ये मैंने थोड़ा सा पहले कटोरे में लिया, और जो ये ढोकले वाली ट्रे है इसमें मैं लगा रही हूँ ऑडी इको बेक। तो ये इको बेक की मैंने शीट कट कर रही है, और ये जो मेरा इडली स्टैंड है इसमें ढोकले की भी प्लेट है, तो उसी प्लेट के हिसाब से ये मैंने पीस कट करके इसको अरेंज किया, थोड़ा सा कट कर लिया शेप में। और पानी और नींबू गरम करने के लिए इडली स्टैंड में रखा, ये यहाँ पर मैंने इको बेक लगाया प्लेट में, और इसे हम डाल देंगे इडली स्टैंड में, बस ढक देंगे ताकि पानी बॉयल होने लगे। और जितना भी मैंने सूजी का बैटर भिगोया था उसको मैंने थोड़ा सा हिस्सा निकाला एक बाउल में, इसमें नमक और तेल डाला है, और उसी टाइम पर मैंने डाला हाफ पैकेट इनो, एक इनो के पैकेट को हाफ सैचे यूज किया, थोड़ा सा पानी डाला है, और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस टाइम पे चीनी भी मिक्स कर सकते हैं, या आप कुछ वेजिटेबल डालना चाहें जैसे शिमला मिर्च, गाजर, वो सब भी डाल सकते हैं मिक्स, और स्वीट कॉर्न वगैरह। फिर आप इसी तरीके से प्लेट में अरेंज कर लो, क्योंकि ये इडली नहीं है, ढोकला नहीं है, सूजी का एक ऐसा नाश्ता है जो शाम की हल्की भूख के लिए आपके बहुत काम आने वाला है, या फिर कभी आप संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। मतलब लेस ऑयल में बनने वाला नाश्ता जो कि झटपट भी बन जाता है। और ये मैंने 10 मिनट स्टीम किया है, यहाँ पर ढक्कन हटाया है स्टैंड का, और ये हमारा ढोकला तैयार है एक प्लेट। अब मैं इसको प्लेट में ऐसे पलट कर निकाल लूंगी, और फिर ये इको बेक जो मैंने लगाया है इसे निकाल लेंगे और इसके पीसेस कट कर लेंगे। ये इडली भी नहीं है, ढोकला भी नहीं, क्योंकि जो मैं ढोकला इंस्टेंट बनाती हूँ उसे बेसन मिक्स करती हूँ। मैंने बहुत बार शेयर किया, आज भी मैं पहले सोची थी ढोकला बनाऊं, फिर ना एक दिन मैंने ये बनाया था, एक दिन पता नहीं कहीं बहुत थकान लग रही थी दोपहर के समय में, बाहर से हमें लग रहा हम वहां से आए थे ना गौशाला से, उस दिन बस सब सामान अमान किया, फिर ऐसे बच्चों को भूख लगी, दोपहर मैंने फटाफट से कुछ बनाया, तो उस दिन इतना बढ़िया बना था, फ्रिज में दही रखी थी और सूजी से मैंने भिगो लिया था, तो बड़ा मजा आया था खाने में, अलग सा टेस्ट लग रहा था, कुछ फ्राइडली जैसा भी बोल सकते हैं। तो मैंने अभी इसके पीसेस कट किए हैं, तो ये देखो छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं, एकदम सॉफ्ट है ये सूजी का, और इसमें पतला सा मतलब स्टीम होता है ना, इडली जैसे मोटी रहती है ये पतला सा होता है, हल्का भी रहता है। अब ये दो प्लेट मैंने इस तरीके से बनाया। अब कढ़ाई पे हम तेल डालेंगे, तेल गर्म होने देंगे, और गर्म तेल में जैसे ये प्लेट अभी ठंडी हो जाए ना तब इसे कट करना, कभी भी गर्म गर्म में पीसेस कट नहीं करना। और फिर तेल गर्म होते ही राई डाला है और हरी मिर्ची डाली है, सफेद तिल डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मुझे तो यही खाने में अच्छा लगता है तड़का इसका। और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है। अब हरी मिर्ची, करी पत्ता, राई और हींग से तड़का लग गया है, और जैसे ही तड़का लग जाए, और आप इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला या फिर पाव भाजी मसाला या लाल मिर्ची पाउडर या कुछ और मसाले भी डाल सकते हैं। आज मैंने कुछ भी नहीं डाला और इसे अच्छे से भूना, मिनट मिनट में धीमी आंच करके हिलाते गए, और बस अच्छे से फ्राई हो चुकी है। लास्ट में मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला है, धनिया पत्ता डालकर भी मिक्स कर दिया है। इसे आप सॉस के साथ या मूंगफली की चटनी या गरम गरम प्लेन सांभर या फिर जैसा आप चाहें चने दाल चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने सिर्फ प्लेट में ये डाला है, मुझे हरी मिर्ची और करी पत्ता का जो ये तड़का होता है ना फ्राई फ्राई तेल वाला, इसके साथ ही प्लेन फीका खाने में बहुत अच्छा लगता है, बस साथ में चाय होती तो, लेकिन अब मैं चाय दो बार पी चुकी हूँ। पिछली बार से मतलब नहीं, इस बार कैसा स्पाइसी येलो था, येलो था, येलो था। मैं बार बार थोड़ा हल्दी डाल दिया होगा है ना। हाँ चाय रुचि का स्वाद था अच्छा, क्रिस्पी भी ज्यादा, इस बार सॉफ्ट बहुत ज्यादा है। आज मैंने टेबल वाली जो क्लिप थी उसको अनम्यूट रखा है, क्यों?
क्योंकि ये जो डिस्कशन है मैं बता रही हूँ, जो मैंने एक दिन बनाया था ना, जो मैं बोल रही थी मैंने एक दिन बनाया था, बच्चों को बड़ा पसंद था, उस दिन मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी। मैंने पीली वाली जो मेरी कढ़ाई है उसमें उसको छौंका था, उसमें ना करारापन आया था फ्राई करने से, सेंकने से, वही शुभम बोल रहा था करारापन था, मसालेदार था।